हेलो एवरीवन, तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि MG Energy मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप का एक नया वर्जन आ चुका है, 2.3 वर्जन आ चुका है। और इस वर्जन के आने की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है ऐप में। मतलब कि पहले हमें सिर्फ सुबह के टाइम पर वर्कर का अटेंडेंस और फ़ोटो अपलोड करना होता था, लेकिन अभी हमें सुबह तो अटेंडेंस और फ़ोटो अपलोड करना ही है, साथ ही दोपहर को भी हमें फिर से एक बार वर्कर्स का फ़ोटो अपलोड करना है। तो आई नो कि ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को मानकर ही हमें काम करना होगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि नया प्रोसेस कैसे काम करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम MMS ऐप को ओपन करेंगे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ऐप वर्जन दिखा दूँगा कि कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए ऊपर जो 3 डॉट्स है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे चेक ऐप वर्जन, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, तभी आपके सामने नया ऐप वर्जन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चेक ऐप वर्जन पे जब भी क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ऐप वर्जन है 2.3। ठीक है, तो अभी हम मेन काम में आ जाते हैं। तो डेटा एंट्री में जाएंगे, उसके बाद मास्टर रोल अटेंडेंस पे जाएंगे। जैसा आप पहले करते थे वैसा ही आपको करना है। सुबह के टाइम पे जब आप अटेंडेंस या फिर फ़ोटो ले रहे होंगे तो सेम प्रोसेस में, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था, तो सेम प्रोसेस में आप अटेंडेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना वर्क कोड सर्च कीजिए, और वर्क कोड सर्च करने के बाद नीचे मास्टर रोल सर्च करना होगा आपको। तो ये काम आप बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्क कोड सर्च करने के बाद मास्टर रोल सर्च हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी वर्कर्स का नाम आ जाएगा लिस्ट बाय लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो जो वर्कर प्रेजेंट है उनको प्रेजेंट कीजिए, यहाँ पे उनका जॉब कार्ड नंबर, नाम, सारे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो जो वर्कर प्रेजेंट है वर्क साइट पे उनको प्रेजेंट कीजिए। देखिए वर्कर्स के नाम के राइट साइड पे छोटा छोटा बॉक्स है, उन पे क्लिक करके टिक मार्क दीजिए जो जो प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट नहीं है वो ब्लैंक रहने दीजिए उसके नाम के बॉक्स में। तो यहाँ पे अटेंडेंस फिलअप करने के बाद देखिए नीचे जो कन्फर्म अबव अटेंडेंस, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं एक वन बाय वन सारे लेबर्स का अटेंडेंस लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म अटेंडेंस अबव अटेंडेंस इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो ये होने के बाद नीचे जो कैमरा बटन है, इस बटन पे हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो 10 लेबर का, मतलब जो भी लेबर प्रेजेंट है उन लेबर का यहाँ पे फ़ोटो लीजिए, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही देखिए सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे सबमिट कीजिए। देखिए टोटल लेबर था 10, अटेंडेंस प्रेजेंट है आज 9। तो देखिए अटेंडेंस सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी आपको फिर से होम पेज में आना है और अपलोड डेटा पे क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड अटेंडेंस। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे शो डिटेल्स ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स देख सकते हैं, कौन कौन लेबर प्रेजेंट था उनका डिटेल्स देख सकते हैं, कौन एब्सेंट था, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो अपलोड बटन है, इस अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। ये प्रोसेस सेम है, पिछले मेथड की तरह सेम है। तो यहाँ पे देखिए अभी अटेंडेंस अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि अभी देखिए यहाँ पे होम पेज पे एक दूसरा ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि है डेटा एंट्री के अंदर। देखिए आफ्टरनून सेकंड वर्कर फोटो, ये एक ऑप्शन नया आया है। तो इस ऑप्शन पे अगर अभी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन आएगा कि आफ्टरनून सेकंड वर्कर्स फोटो कैन बी टेकन बिटवीन 2 PM to 5 PM, मतलब दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आप ये सेकेंड फ़ोटो ले सकते हैं। तो हम वापस दोपहर के 2 बजे आएंगे, तो दोपहर के 2 बजे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के
ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अभी आप सेकंड फोटो ले सकते हैं। तो अभी हम वापस आएंगे दोपहर के 2 बजे में। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐप ओपन करना है और यहाँ पे लॉगिन करना है सबसे पहले। तो लॉगिन करते ही देखिए, अभी हमें डेटा एंट्री पे जाना है और यहाँ पे जाते ही सेकंड जो ऑप्शन है आफ्टरनून सेकंड वर्कर फ़ोटो, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वर्क कोड सिलेक्ट करना है, मतलब जो वर्क कोड आपने सुबह यूज़ किया था अटेंडेंस लेने के लिए, तो उस वर्क कोड को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और सिमिलर तरीके से मस्ट रोल नंबर सिलेक्ट करना है और कैमरा बटन पे क्लिक करते ही देखिए आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपको फिर से एक बार वर्कर का फ़ोटो लेना है, इस बार कोई अटेंडेंस नहीं लेना है, सिर्फ फ़ोटो लेना है और उसके बाद फिर से सेव करना है उसको। और सेव करने के बाद होम पेज में आके फिर से यहाँ पे अपलोड डेटा पे आपको क्लिक करना है। अपलोड डेटा पे क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है अपलोड अटेंडेंस ग्रुप फ़ोटो, इस ऑप्शन पे अभी आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल अभी कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई फ़ोटो नहीं है, अपलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आता है कभी कभी, यहाँ पे देखिए आपको वर्क कोड नहीं मिलता है। आप वर्क कोड सिलेक्ट वर्क कोड पर जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका वर्क कोड शो नहीं होता है, ये एक सर्वर प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रैक्टिकली वर्कर्स थोड़ा कम ही प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, मुश्किल लग रहा है इन प्रैक्टिकल, तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो ये नया अपडेट मतलब कि ये नया प्रोसेस आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।